जनता चली जाएगी। तो मैं इस जुल्मी हुकूमत और गोदी मीडिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नेट के कनेक्शन काट सकते हो, लेकिन किसान के दिल की तरंगों को तुम नहीं काट सकते। ये किसान के दिल की तरंगे थी जो रातों रात मंदिरों में अनाउंसमेंट हुई कि हमारे नेता रो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, आज गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी हिम्मत हुई है, कल टिकरी बॉर्डर पर होगी, कल सिंगू बॉर्डर पर होगी, तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। तो धन्यवाद करती हूँ मैं गोदी मीडिया का, जिन्होंने हमें दिखाया और हम जागे। अब जैसे हमें पता है कि दिल्ली में उस गोदी मीडिया ने सिर्फ झंडे पे फोकस किया कि झंडा फहराया ताकि जनता वहीं पे उलझी रह जाए, और धर्म के नाम पे लड़ाने वाले इन पाखंडी कह रहे हैं कि तुमने झंडे का अपमान किया है। अरे तुम क्या बताओगे हमें कि हमने झंडे का अपमान किया है? झंडे का अपमान तो तब होता है जब सीमा पर जवान रोता है और खेतों में किसान रोता है, और आज वो हकीकत है, सीमा पे जवान रो रहा है और खेतों में किसान रो रहा है। हमारी लड़ाई तीन काले कानूनों के साथ साथ गोदी मीडिया, भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गलत जानकारी देने वाले और इस हुकूमत के साथ है। आज मोदी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मोदी सरकार है ना, इनसे हमें खेती भी बचानी है और बेटी भी बचानी है, क्योंकि इन कुर्सी वाले रंडुओं के पास ना खेती है ना बेटी है। अरे हंगामा कर देते हैं, किसी बेटी का बलात्कार होता है लेकिन चार दिन बाद चलती है मीडिया में, तहकीकात नहीं होती, पूरी नहीं होती है, लेकिन सुशांत सिंह सुसाइड कर लेता है, कंगना रनावत की बातें बार बार मीडिया में दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है? समझो इस चीज को, क्यों दिखाई जा रही है कि आप मेन मुद्दों से भटक जाएं। ना जी बस मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, राजनीतिक भूख नहीं है, मेरे दिल में आग है, मैं अपने किसान के लिए बोल रही हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं उस किसान की बेटी हूँ जो 14 साल का खेती करने लगे था और आज भी काले आड़ हो रहे हैं। युद्ध कर गया मेरा पीछा गया, मैं आपका धन्यवाद करूँ, मैं पैसा नहीं दूँ। मैं कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ आपको, जैसे कि एक शायर ने कहा है, अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। घर सजाने की तस्वीर यानी कि कल्पना, घर सजाने की तस्वीर तो बाद की बात है, घर सजाने की तस्वीर तो बाद की बात है, पहले यह तो तय हो कि इस घर को बचाऊं कैसे, पहले यह तो तय हो कि मैं इस घर को बचाऊं कैसे। लाख तलवारें आ जाए मेरी गर्दन की तरफ, लाख तलवारें आ बढ़े मेरी गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं सीखा तो सर झुकाऊं कैसे, सर झुकाना नहीं सीखा तो सर झुकाऊं कैसे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इतने ध्यान से सुनने के लिए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे कि भाई धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से उठाए जाने की हमारी तैयारी, पुलिस प्रशासन की तैयारी चल रही है, क्योंकि जब कोई भी पेड़ उखाड़ना है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं तब तक उनको कोई नहीं ला सकता। ये जड़ें हैं, यहाँ से इन लोग तो बॉर्डर पे जाएंगे, और ये चीज हमने सिखा दी है कि धर्म मजहब जाति में तो तुम लोगों ने हमें बांटा था, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है, वो तो हमारी आपस की लड़ाई हो, आप पे लड़ लेंगे, लेकिन पहला तेरी बात है। तो मैं यह बात अपील करूं कि राकेश जी कैश जिया के जो आंसू कल थे, आंदोलन बहुत निचला स्तर पर जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि गोदी मीडिया की वजह से, उन आंसुओं ने आंदोलन को फिर आसमान में चढ़ा दिया है। तो हमें ध्यान रखना है, विशेष तौर पर युवा साथियों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी हिंसक घटना ना हो कि वो उसका हमारे आंदोलन पर असर हो, क्योंकि गोदी मीडिया की अप्सराएं तो इन्हीं मौकों के तलाश में रहती है कि छोटा सा मौका मिले और कब आंदोलन को खराब करे। तो हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ध्यान रखें, विशेष करके
हमारे जो बुजुर्गों के साथ रहे, जो हमें आदेश देते हैं उनको मानना है, उनके साथ चलना है। और जन जन का ये आंदोलन है, पूरा देश का आंदोलन है। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। किस